में हम लोग बात करेंगे कि आप किसी भी वीडियो पे इस तरह का VIP टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो। मैं एक वीडियो चला के आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप देखो पहले से। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को कभी दिल पे मत लेना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे तो है ना, और बाद में उसी अमरूद पे नमक लगा कर खाते हैं। जी हाँ, तो इसी तरह का वीडियो आप कोई भी वीडियो पे इस तरह का टेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हो, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज मैं प्रॉपर वे में समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बहुत ही आसानी तरीके से आसान तरीके से करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी कर सके ये चीज को, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोल दूं कि आपका अपना चैनल है ये चंदन द क्रिएटर, तो आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखिए सबसे पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। अब चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपको एक एक चीजों को बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और भी यहाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको किसी भी वीडियो में करना है, आपको बताता हूँ कैसे वो स्पेशल फंड लिखेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आइए एक एक चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं बारीकी से। तो इसको बनाने के लिए इस टाइप के वीडियोज़ को, जैसे अभी आपको दिखाया गया जो वीडियो स्टार्टिंग में, तो वो वीडियो और जो आपको फंड लगाना है उसको, ये काम करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एक तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें काइन मास्टर काम यूज करेंगे और पिक्सल लैब। आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई भी ऐप का यूज कर सकते हैं, बट मुझे काइन मास्टर अच्छा लगता है मोबाइल से एडिटिंग करने के लिए, सो मैं काइन मास्टर का यूज कर रहा हूं। दूसरा, पिक्सल लैब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आसानी से आप उस टाइप के फंड को बना पाएंगे। तो ये दो तरीकों का दो ऐप हमें चाहिए, जो कि दोनों ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे एकदम करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वहां उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक लाइक का बटन छप रहा होगा, आपको इस लाइक के बटन को दबा देना, और ये सब्सक्राइब का यहाँ पे एक बटन छप रहा होगा, यहाँ चंदन द क्रिएटर जो मेरा चैनल है वहां पे लिखा होगा, उसके सामने एक सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और यहाँ पे ऑल के जो नोटिफिकेशन आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा काम, आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, काइन मास्टर ऐप को आपको ओपन कर लेना है, और आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको प्ले स्टोर में सिंपली मिल जाएगा। तो काइन मास्टर ऐप को आप ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे आपको एक प्लस का ऑप्शन देता है, आपको इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तीन साइज आपको देखने को मिलता है, 69 एंड 96 एंड 11, ठीक है। तो आपको ये जो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 9.16 का, ये जो बीच में आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको जो भी डायलॉग या जो भी वीडियोज, मतलब जो वीडियो पे आप डायलॉग लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। सो हम यहाँ पे अपना वो वीडियो रखे हुए हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है, तो हम ये वीडियो ले लेते हैं, ये मेरा ही वीडियो है तो इस वीडियो को मैं ले लेता हूँ। आप किसी भी वीडियो पे ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे अभी जो मैं अपना इसलिए डाल के दिखा रहा हूँ, देखो यार कोई और यूज करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, बट आपको एकदम सेम वैसा ही दिखाऊंगा जैसा आपको अभी पहले स्क्रीन पर दिखा ना, कि इस तरीके का आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे वीडियो वो कर लिया, अब ये वीडियो हमने यहां पे ले लिया। अब इस वीडियो को हमें ध्यान से डायलॉग को सुनना है, तो डायलॉग को थोड़ा हम यहां पे प्ले करूंगा, तो हो सकता है थोड़ा आपको सुनाई नहीं दे यहां पे डायलॉग, आपने शुरू में सुन रखा है ना पूरा डायलॉग, आपको डायलॉग को समझ लेना है कि ये डायलॉग में क्या क्या चीजें चल रही है। एक बार मैं ऐसे प्ले कर देता हूं, तो आइए एक बार देख लेते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वो कभी दिल पे मत लेना, क्योंकि लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायलॉग है वो क्या है कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पे मत लेना। ये जो हमने यहाँ पे डायलॉग सुना है कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पे मत लेना, तो पहले हम इतना बना लेते हैं, इतने का टेक्स्ट बना लेते हैं। तो टेक्स्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया एक ऐप की और जरूरत पड़ेगी, वो पिक्सल लैब। इस ऐप में आ जाते हैं, पिक्सल लैब ऐप में, और आपको यहां पे पूरा वही लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पे हम थोड़ा सा साइज सेट करेंगे, देखो पिक्सल में आपको आ जाना है और ऐसा आपको दिखेगा, मैं यहां पे एक एक मार्क करते हुए दिखाता हूं आपको, आपको ये यहां पे दिखेगा, तो आपको ये डिलीट के बटन पे दबा के इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, और आपको यहां पे आना है। यहां पे मैं एक बार फिर एरो पे क्लिक कर दूं,
आपको एक एक चीज़ समझाना है, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ नीचे में आप देखेंगे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ इमेज साइज आपको क्लिक करना है और इमेज साइज पे आपको यहाँ पे आपको 600 कर देना है। बस क्या कर देना है, 600 कर देना है, ठीक है। 1280 करके कुछ रहता है, उसको आपको रहने देना और यहाँ पे आपको 600 कर देना है। बस आपको उधर में 600 आप लिखोगे, हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है। टेक्स्ट क्या है, हमने वहाँ पे क्या डायलॉग सुना था, अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो चीज़ पहले लिखना है हमें यहाँ पे, अगर जिंदगी में खुश, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, बस ध्यान से आप समझते जाइए। अगर जिंदगी में खुश रहना, ठीक है, तो एक लाइन में इसको रखेंगे और एक लाइन में दूसरे को रखेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ दिख नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, तो फिर से सेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक कलर ले लेंगे थोड़े देर के लिए ताकि हमें ये अच्छे तरीके से दिखने लगे। तो कलर अपने हिसाब से आप कोई भी रख लो यहाँ पे, क्योंकि बाद में तो ट्रांसपेरेंट ही कर देना है, तो कोई इशू नहीं है उसका। तो यहाँ पे कर लेंगे और डन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ज़िंदगी में खुश रहना, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इतना लिख लिया। तो अब हम इसका सबसे पहले फंड चेंज करेंगे, तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे में ए लिखा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे फंड्स पे आना है और फंड्स पे आने के बाद माई फंड में आप आएंगे। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, ये सारे फंड्स दे रखे हैं जो फंड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम चैनल को आपको सिंपली ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये फंड यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, इस आर्क करके यहाँ पे फंड है, इसको मैं यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे ये हो गया अगर ज़िंदगी में खुश रहना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इस फंड को और कस्टमाइज करेंगे, बेहतरीन बनाएंगे ताकि ये और अच्छा दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे ब्लैक कलर का, ठीक है, ये ब्लैक कलर का थोड़ा स्ट्रोक हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा शैडो देंगे इसमें, ठीक है। शैडो देना ज़रूरी है क्योंकि जब वहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसपेरेंट रहता है ना, वो तो मज़ा नहीं आता। तो शैडो यहाँ पे थोड़ा सा देना है और इसको थोड़ा सा शैडो को ऐसे बैक में कर देना ताकि ये 3D टाइप का दिखे, समझ रहे हो ना सीक्रेट चीज़ों को। तो यहाँ पे अब एक बीच वाले किसी भी वर्ड को आप येलो कलर कर दीजिए या कोई भी कलर कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैं ये जो ज़िंदगी लिखा हुआ है इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया और यहाँ पे अब डन करता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ और ये जो देख सकते हो आपको फिर से मैंने बताया था जहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करना है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे शेयर का जो यहाँ पे बटन दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे PNG सेलेक्ट करना है और ये कस्टम की जगह आपको अल्ट्रा कर लेना है और सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव टू गैलरी जैसे ही आप करोगे आपकी गैलरी में सेव हो गया। अब हमको उस वीडियो में आना है और एक लाइन का तब तक लेयर हम लगा देते हैं। तो आइए एक लाइन का लेयर लगाते हैं, डायलॉग है एक बार और सुनते हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन का लेयर लगाते हैं। तो आइए इस डायलॉग को मैं प्ले करता हूँ। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को कभी दिल पे मत लेना, ठीक है। तो अगर जिंदगी में खुश रहना अभी तक हमने बना रखा है तो वहां पे मैं उतना तब तक लगा देता हूँ। अगर जिंदगी में खुश रहना आपको यहाँ पे लगा के मैं दिखाता हूँ, ऐसे आपको कर देना है और इसको यहाँ से मूव करना है और यहाँ पे सेट करना है और इतने बड़े पे इसको कर देना है और यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन नहीं, यहाँ पे इन एनिमेशन पे, कई बार लोग ओवरऑल एनिमेशन पे कर देते हो तो आपको उसको नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐसे ही खोजते जाना है। तो यहाँ पे आपको एक वाइप राइट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इतना आपको प्ले करके पहले दिखा देता हूँ। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखोगे अगर जिंदगी में खुश रहना, ठीक है। अब इसके आगे का हमें बनाना है, तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस से पूरा बनेगा। तो मैं फटाफट से बना के आपको आगे को दिखाता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो मैं फटाफट से आगे का प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके यहाँ पे सेट कर दिया, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। मैंने इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी करके सेट कर दिया ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके और आप लोग समझ सके। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप देखिए। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को कभी दिल पे मत लेना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे तो है ना, और बाद में उसी अमरूद पे नमक लगाकर खाते हैं। तो आप देख सकते हैं आप एकदम अच्छी तरीके से लग गया। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही ऐड करना है वहां से, ठीक है, बना बना के फंड को, टेक्स्ट को लिख के आपको यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे कर देना और सिंपली यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करके
आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा फिर आपका वीडियो आपके गैलरी में आ जाएगा, आप उसे कहीं भी अपलोड कर सकते हैं जहां भी आप करना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो में इससे भी बेहतर बना पाऊं। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हो सकता है वो भी इस चीज को खोज रहे हो कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा।